नमस्कार, विशेष बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन और मेरे साथ हैं पिंकी खंडेलवाल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे के बयान पर पूरे राज्य में हंगामा मचा हुआ है। मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, सांगली और चिपलून में शिव सैनिकों ने नारायण राणे और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुंबई में नारायण राणे के घर के बाहर शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान दो पुलिसकर्मी समेत 5 लोग घायल हो गए। राणे ने कहा है कि गिरफ्तारी के खिलाफ वो हाईकोर्ट जाएंगे। काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। आज दुशांबे से एयर इंडिया विमान के जरिए 78 लोग दिल्ली पहुंचे, जिनमें 25 भारतीय हैं। उनके साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी हिंदुस्तान लाई गई हैं। पवित्र ग्रंथ को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी पहुंचे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सोपोर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट में इस साल सुरक्षा बलों ने अब तक 102 आतंकियों को मार गिराया है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ABP News, आपको रखे आगे।